Good morning everyone, my name is Maninder Singh. So we have one freak out adventure in Hyderabad. So अभी मैं यहाँ पे हम यहाँ गंडीकोटा में हैं, गंडीकोटा फोर्ट में. सो हमारा यहाँ पे एक कैंप साइट है. यहाँ पे आपको अकोमोडेशन, फूड एंड एक्टिविटी पूरा रहेगा यहाँ पे. एंड हमारे पास जो टेंट कैंपिंग टेंट एंड एसी टेंट अवेलेबल है. सो अभी हम आते हैं एक्टिविटी की ओर. आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमने एक बेस तैयार किया है जो कि सामने बैनर ही पर है. तो मैं कुछ इक्विपमेंट के बारे में बताऊँगा आपको, जस्ट डू एंड डोंट्स. एंड जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारा रैपलिंग एंड क्लाइंबिंग इक्विपमेंट है, उसका वेट कैपेसिटी, उसका जो नाम है और कितना इसका वेट कैपेसिटी है, तो इसके बारे में बताऊंगा आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम है क्लाइंबिंग हेलमेट. ओके, ये क्लाइंबिंग हेलमेट है. सबको पता है हेलमेट हम क्यों यूज़ करते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड थिंग, क्लाइंबिंग रोप, स्टैटिक रोप. ओके, ये हमारे पास है स्टैटिक रोप. इसका जो वेट कैपेसिटी है वो है 1000 अप्रॉक्स. तो यहाँ पे कोई डरने का नहीं है कि मैं गिर जाऊँगा या फॉल हो जाऊँगा या इसलिए हमारा रोप टूट जाएगा. तो इसको माउंटेन लैंग्वेज में बोलते हैं रोप. ओके, इसको बोलते हैं स्क्रू कैराबाइन. इसमें स्क्रू लगा हुआ है और हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे. इसका जो वेट कैपेसिटी है वो है, यहाँ पे लिखा होता है ऑलरेडी 35 रहता है, UIA 35 रहता है. और इसका जो वेट कैपेसिटी है वो है आपका 22 kN. इट मीन्स 1 kN इज इक्वल टू 100 kg एंड 22 kN इज इक्वल टू 2200 kg. तो इसका वेट कैपेसिटी है. एंड वन मोर डिवाइस, इसका नाम है असेंडर. इसको हम जुमार भी बोलते हैं, असेंडर भी बोलते हैं. ये क्लाइंबिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. और इसके साथ एक और टेप आता है, इसको बोलते हैं टेप स्लिंग. तो जो टेप स्लिंग है हम लोग इस पर अटैच करते हैं. देन दूसरा जो है टेप स्लिंग का जो एंड है वो हमारे हार्नेस पे अटैच होगा. देन हम लोग क्लाइंब के लिए यूज़ करते हैं. तो इसका भी वेट कैपेसिटी जो है 1000 के ऊपर है. कोई रनर नहीं, इसके कुछ पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं, टीथ, इसको बोलते हैं रोप रनर एंड आई होल. एंड जहाँ पे मैंने हैंड रखा हुआ है इसको बोलते हैं हैंड ग्रिप. ओके, जब हम इसका यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं, जब इसका यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, एक ही साइड इसका यूज़ कर सकते हैं हम, एक ही साइड में इसका काम रहेगा. मैं रोप में डाल दिया तो ये नीचे नहीं आएगा. ओके, ये केवल एक ही साइड की ओर वर्क करेगा, ऊपर की ओर यूज ऐसे वर्क करेगा, नीचे नहीं आएगा. तो इसका नाम है जुमार या असेंडर. ओके, सो इसका नाम बताया मैंने आपको टेप सीलिंग. इसका जी ये दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इसका वेट कैपेसिटी कितना होगा? इसका जो वेट कैपेसिटी है वो है 800 kg अबव. ओके, सो वन मोर डिवाइस, इसको बोलते हैं, पहले भी दिखाया मैंने आपको, इसका नाम है स्क्रू कैराबाइनर. और एक और डिवाइस है हमारे पास, इसको बोलते हैं डिसेंडर. ये डिसेंडिंग के काम आता है. अभी जो मैंने आपको यूज़ किया था इसको, इसकी असेंडिंग के काम आता है, ये डिसेंडिंग के काम आता है. जो ये डिसेंडर है इसका भी वेट कैपेसिटी जो है 25 kN है. इट मीन्स 25 kN इक्वल टू 2500 kg. तो ये भी पूरा वेट कैपेसिटी अच्छा लेता है. और अभी मैं इसका यूज़ दिखाऊँगा आपको कैसे इसका यूज़ करते हैं. और एक और हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है सीट हार्नेस. ये आप देख सकते हैं मैंने पहना हुआ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, इसका भी वेट कैपेसिटी जो है सेम रहेगा 1000 अप्रॉक्स. तो हम इसका यूज़ करते हैं. सामने भी एक हार्नेस पड़ा हुआ आप देख सकते हो. ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी 3 लूप होते हैं. ये राइट थाई लूप है, लेफ्ट थाई लूप है, और जो ये मेन लूप है इसको बोलते हैं वेस्ट लूप. ओके, और ये सामने जिसको बोलते हैं कैराबाइनर लूप या सेपिलेट. ओके, अभी फर्स्ट मैं आपको दिखाऊँगा ये डिवाइस कैसे काम करता है. फर्स्ट आप देख सकते हैं हेलमेट का यूज एंड डिवाइस मैंने आपको दिखाया था, इसको बोलते हैं डिसेंडर. यह है स्क्रू कैराबाइनर. तो अभी सपोज जेड मुझे रैपलिंग करना है तो रैपलिंग पे कैसे वर्क करेगा ये? अभी मैं ये डिवाइस का यूज़ नहीं करूँगा तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, इसका स्पीड फास्ट हो जाएगा. देखिए, देख सकते हैं आप. और अगर मैं इस डिवाइस का यूज़ करता हूँ तो जो मेरा वेट, जो वेट का जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा, देख सकते हैं आप. ओके, स्पीड कंट्रोल हो जाएगा, देखो. एंड तो इसका यूज हम करते हैं रैपलिंग के लिए. इसका नाम है डिसेंडर. ये मैंने पहना हुआ है सीट हार्नेस एंड स्क्रू कैराबाइनर हेलमेट, जो कि अभी आपने देखा होगा मिटन्स. इसका यूज हम करते हैं रोप को होल्ड करने में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा इक्विपमेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए. कुछ इक्विपमेंट हमारा डैमेज भी होता है, लेकिन वो पता कैसे करना है आपको, उसका वेट कैपेसिटी लेके. ओके, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा ओल्ड हो चुका है, लेकिन कलर से मैच नहीं करना है.
बिकॉज ये जो आपके पास जो ये मेटल है ये एलुमिनियम एलॉय है, पूरा एलॉय से बना होता है पूरा, एंड इसका जो यूज है वो आपको मैंने बता दिया है। तो आप देखते रहिए, ऐसे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, एंड और आप आते रहिए गंडीकोटा में फ्रीकआउट्स एडवेंचर के साथ, एंड मैं मनिंदर सिंह एक बार आपको वीडियो देखने के लिए थैंक्स बोलता हूँ। हमारे साथ दर्शन ब्लॉग्स हैं, तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा।